सिस्टर, इसको तुरंत ओटी ले चलो। दोस्त नहीं पिएगा ना? हम तो पिएगा। अरे ज्यादा हल्ला मत करो ना, पुलिस आएगा ना, सोचा भी तो पी सकता है। पुलिस 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 को तो हम लोग पुलिस दोस्त पिस्तौल पकड़ के कोई भी दादा दिखा सकता है, हिम्मत है तो पेक के दिखाओ। हेलो। हाँ दत्त साहब बोलिए। हाँ आ रहा है, आ रहा है। डॉक्टर साहब पेशेंट अभी कैसा है? देखिए डिलीवरी तो सक्सेसफुली हो चुका है, फिर भी ज्यादा खून बहने का कारण माँ का कंडीशन थोड़ा नाजुक है, उसको ब्लड ट्रांसमिशन देना होगा। बहुत जल्द हम लोग उसको केबिन में शिफ्ट करने वाला है। होगा सर, हम लोग निकलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाएगा, आप उनका रिश्तेदार नहीं हो क्या? उसको तो हम लोग रास्ता से मिला था, तो इसलिए हम उसको मदद के लिए लाया था। हमको पहले से शक था, इसलिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आता ही होगा। हाँ डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्यों बुलाए?
सर देखिए, ये दोनों एक अनजान पेशेंट को लेकर आया है और वो भी प्रेग्नेंट, और सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो उनका पेशेंट को मिलना पड़ेगा। चलिए सर। तुम दोनों यहाँ रुको। हाँ, ये रहा पेशेंट। ओ, पेशेंट ठीक तो है ना? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन माँ का हालत थोड़ा नाजुक है, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बाहर जाके बात करते हैं। चलिए। अच्छा बताओ क्या बात है? सर मेरा नाम राजू है, मेरा टाटा मोबाइल फंस गया था, तभी ये सब हुआ है। गाड़ी साला खराब होते रहता है एकदम। गाड़ी साला खराब होते रहता है एकदम। सदा भी साला खत्म हो गया। अरे अरे, ये तो कहां से आ गया? अरे ये तो प्रेग्नेंट वाला है रे। रुको ना आची, प्लीज। क्या हुआ है भाई? प्लीज, मेरा गाड़ी फंस गया है, ऊपर से एक प्रेग्नेंट लड़की मेरा गाड़ी में है। टोरस को मेडिकल पहुंचा दीजिए ना आची। नहीं नहीं, ये सब हम नहीं करेगा। उपाय नहीं क्या करेगा प्लीज, थोड़ा मदद कर दीजिए ना, मेडिकल पहुंचाना है। ठीक है। तो इसलिए हम उसको मदद के लिए लाया था। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सर सच है सर, झूठ क्यों बोलेगा? सच सच बोलो, अगर बाद में पता चलेगा झूठ बोल रहे ना, तो देखो जेल ले जाके डंडी लगाएगा। होगा, तुम दोनों बोटिया अच्छा काम किया है। अपना फोन नंबर पता नाम लिखवा के जा सकता है। हाँ, लेकिन जब भी हम बुलाएगा तुम दोनों आना पड़ेगा, और शहर छोड़ के नहीं जा सकते। कांस्टेबल, ये दोनों का नाम और पता लिख लो। सर पेशेंट का कोई गार्जियन तो नहीं है, और इस हालत में उनको अकेला छोड़ देना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तब तो हम गार्जियन का पेपर मैम साइन कर देगा। कल को अगर उसका कोई फैमिली वाला आएगा तो हम देख लेगा। चलिए सर, केबिन में। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग थोड़ा पेशेंट को देखभाल कर दीजिए। अगर उसका कोई गार्जियन कॉल करता है तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। फिलहाल तो हम चलते हैं, थोड़ा कुछ काम है। आपका तबीयत कैसे है अभी? हाँ अब ठीक है। ओ, वैसे आपका नाम क्या है? यापू। ओ, वैसे आपका परिवार कहाँ रहता है?
कुछ तो बताओ, अगर आप कुछ नहीं बताएगा तो आपका मदद हम कैसे करेगा? ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, हम कुछ से ढूंढ लेगा और आपको आपका घर बेच देगा। प्लीज मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए ऐसा मत करो। सर। ओ सर, आप आ गया, आइए सर। तो डॉक्टर साहब बताइए। सर, उसका कंडीशन थोड़ा ठीक हो चुका है और मैं उसे डिस्चार्ज करने वाला हूँ, आप उसे ले जाइए। ठीक है, लेकिन हम उसका गार्जियन नहीं है, हम किसे ले जा सकते हैं? फिर भी सर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप देख लीजिए। तो बताइए कहाँ पर साइन करना है? यहाँ पे साइन कर दीजिए। डॉक्टर साहब, तो अभी हम उसको ले जा सकते हैं ना? हाँ जरूर, आप ले जा सकता है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है सर, आप आ गया। हाँ सुनो डॉक्टर साहब, तुम्हारा डिस्चार्ज कर दिया, अभी तुम कहाँ जाएगा? पता नहीं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। एक काम करो, तुम मेरा साथ चलो। हाँ, ऐसे कैसे आपका साथ चला जाएगा और आपका परिवार क्या सोचेगा? तुम उसका चिंता मत करो, हम देख लेंगे। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। सुनो, अभी तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चा भी छोटा है, तुम इसको लेकर कहाँ भटकते रहेगा? जब ठीक हो जाएगा तो चला जाओ। ये कुछ कपड़ा लेके आया, उसको पहन लो, चलो चलो। बच्चा तो ठीक है ना? ये मेरा घर है यार, चिंता मत करो, आराम से बैठो। हाँ, जब तुम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, तभी जाओ। हाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम और मेरा दीदी रहता है यहाँ, और बोनी, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमको बोलो। हाँ हाँ, दीदी तो आ गया, क्या बोलेगा, क्या बताएगा, कैसे बताएगा उसको? तकम तकम। हाँ हाँ दीदी। ये कौन है? ओ ये दोस्त का दोस्त है, ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट करने आया था, पहली बार टाउन आया ना, ऐसे ही घर दिखाने लेके आ गया। होगा, दोस्त को लाया है तो खाना वाना खिला के जाने दो, हम तो ऑफिस का काम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है दीदी, ये को निकल देगा। बोनी बोनी। हाँ तकम भैया। ये दीदी को ले जाओ, ठीक है, और रेस्ट करने दो। बोनी, तकम कहाँ है? पता नहीं दे, तकम भैया कहाँ गया, रूम में होता होगा, बाहर से हम अभी आए। ठीक है, ये लो सब्जी, मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दो। ठीक है तब तो, तुम जाओ, हम तो रेस करने जाएगा। यपुंग इतना क्यूट है, तेरा वो इतना क्यूट है, बिल्कुल मेरा चेहरा जैसे। तकम तकम। हाँ हाँ दीदी। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? अरे ये क्या कर रहा है अभी तक यहाँ में? तुम तो बोला था ये तेरा दोस्त है, खाना वाना खिला के जाने देगा बोला था, जाने नहीं देगा क्या इसको? दीदी चलो बाहर जाके बात करते हैं। इसका सामने बात करो, एक लड़की को इतना देर अपना रूम में क्यों रख रहा है, कौन है ये? चलो ना दीदी, चल ना दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। दीदी आपसे हम झूठ बोला था, एक्चुअली एक पुलिस केस था, इसलिए हम उसको घर लेके आए हैं।
उसका यहाँ में कोई नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगा चला जाएगा। इसे कैसे रहने देगा, अड़ोस पड़ोस लोग क्या बोलेगा, क्या पत्नी है, किसका बच्चा है, कुछ भी नाम आता पता नहीं, किसे घर में रहने देगा, कहाँ कहाँ मुँह मर के आया होगा, ऐसे औरत कम कैसे मेरा घर में रहने देगा। कृष्णा जी, होगा होगा, तुम जैसे चाहिए ऐसे करो, लेकिन कल सुबह तक जाने दो। तकम, तुम यहाँ में क्या कर रहे है, तुम वो लड़की के बारे में सोच रहे है क्या? हम उसको देखने दिल नहीं है, किसका बच्चा है, कैसे जन्म दिया है, और तुम उसको कहाँ से उठा के यहाँ में रखा है, जल्दी जाने दो उसको, पड़ोसी लोग भी क्या क्या बोलेगा, हम देखने दिल नहीं है, उसको जल्दी जाने दो रे, नहीं तो हम निकल देगा घर से उसको। शर्म भी नहीं है, किसका बच्चा आराम से प्यार कर रहा होगा ये बंदर। ऐसा घूमने जाएगा तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हो जाएगा, हम जाएगा तो उमा का देखभाल कौन करेगा? उमा के लिए तो बोनी भी है ना, हम बोनी को बोल देगा ना, बोनी देखभाल कर देगा ना। नहीं हो जाएगा, आप चला जाओ। चलो ना। अरे yes. Thank you.
यपुंग, हम तुम औरों के लिए कुछ लेके आए। सॉरी, हम इसको नहीं ले सकेगा। इसमें क्या हुआ है? ले लो ना, प्लीज। नहीं ताकम, आप मेरा बहुत मदद किया है। हम आपको अभी और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसमें क्या तकलीफ का बात है? हम तो तुम दोनों को अपना समझता है। ये तो आपका बड़प्पन है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो आजकल के जमाने में अपने ही अपनों को पराया समझता है। क्या तुम हमको पराया समझता है क्या? हम तो तुम दोनों को अपना समझता है। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये सच है। जब पहली बार तुमको हॉस्पिटल में देखा था, तब से अच्छा लगने लग गया। क्या तुम नहीं चाहता है क्या कि तुम्हारा बच्चा को बाप का नाम मिले? मेरा जैसा औरत को कौन अपनाएगा जिसका कोई नहीं है? और वैसे भी आपका दीदी हमको पसंद नहीं करता है। समाज आप पे उंगली उठाएगा। समाज? समाज तो हम लोग ही बनाता है, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। और ये दीदी की बात, दीदी को तो हम मना ही ले गया। हम भी आपका साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या मेरा साथ जो हुआ है उसको जान के भी आप हमको अपनाना चाहेगा? हाँ यापुंग, तुमको हम अपनाना चाहेगा, पर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरा साथ डॉक्टर निकम बोलो लमते बका चाय के ना वो मिंतम ताबे आपे नके बस आरी नगो आई सो सामुद कल कल नो कसो दोयात। आप लोग यहां खड़ा करो। इसको दिन में एक एक करके तीन बार खाना है। नर्स क्या करेगा ना, इन लोगों का लैंग्वेज तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप कोई हिंदी ट्रांसलेट करने वाला ढूंढ सकेगा? डॉक्टर साहब, आप चेकअप करते रहिए, हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। ये तो बहुत अच्छा बात है, थैंक यू। आप यहाँ आ जाइए। आज का हम लोग का मेडिकल कैंप हम लोग यहीं पे खत्म करता है। अभी जाएगा सामान वामान पैक करो। तो आप भी चलो हम लोगों का साथ। कंपाउंडर। जी सर। इसको पकड़ो। थैंक यू वेरी मच, आज आपने बहुत मदद किया। अगर आप नहीं होता तो काफ़ी तकलीफ होने वाला था।
अरे कोई बात नहीं, आप तो हम लोगों का मदद के लिए यहाँ आया है, आपका मदद नहीं करेगा तो कैसा होगा। वैसे आपका नाम क्या है? यापुंग। पर यहाँ पे सिर्फ आपको ही हिंदी बोलने वाला सुना है, वैसे आप काफी अच्छा हिंदी बोल लेता है। ऐसे ही थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, पर इतना खास नहीं आता है, आप तो बेकार में ही मेरा तारीफ कर रहा है। नहीं नहीं, आप सच्ची में काफी अच्छा बोल लेते हो, अगर आज आप नहीं होता तो हमको काफी तकलीफ होना था। आपको काफी देर से देख रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मदद कर दिया। तो ठीक है चलो। ठीक है चलिए। अबू अबू, डॉक्टर निगम मुनचापक पामी सितो के। डॉक्टर निगम मुनो चाप आई। डॉक्टर निगम सुनो लमा काकू बोलो ओगु अधिक आकू मासु आई। क्या बोल रहा है आपका पिताजी? डॉक्टर साहब, अबू आपको ये बोल रहा है कि आज प्रोग्राम में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं गमरा जी, सब ठीक ठाक था, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था लेकिन यापुंग का वजह से सब सॉल्व हो गया। अच्छा गमरा जी, तो हम लोग चलते हैं। नो सलू बोलो लमा कहा अगर आया पुखचो सोएंगे सका यूपीला आरुनी अंतु न। डॉक्टर साहब, अब ये बोल रहे कि आज आप लोग बहुत थक गया होगा, कल सुबह चला जाइए। नहीं नहीं गमरा जी, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए आज ही जाना पड़ेगा, फिर कभी दिन मिलेंगे, हम लोग फिर आएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप लोग वापस आ गया, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, हम लोग जब वापस जा रहा था लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो इसीलिए वापस आना पड़ा। अच्छा है आप लोग वापस आ गया, वैसे किसी को चोट तो नहीं पहुंचा? नहीं हम सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। अबु लम देगा यक तुम पयुक। अरे आगे आते की। ओम अबू। डॉक्टर निगम ने आकर पुकने ना आए। डॉक्टर साहब, अन्य आपसे ये पूछ रहा है, आप लोग वापस आ गया क्या? हाँ गमरा जी, हम लोग जब वापस जा रहा था बीच में लैंडस्लाइड होने का वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था, इसीलिए वापस यही आना पड़ा। अल सुमावा लामतंग मको को बोल अंग सुमावा मको मादे मादे लसो दोंग सुमावा वो काम आना। डॉक्टर साहब, अब वो ये बोल रहा है कि जब तक रास्ता बंद है आप लोग यहाँ रह सकता है, जब रास्ता खुल जाएगा आप लोग आराम से चला जाइए। डॉक्टर जगम मुनम अचिन लोका तो जितला दमुत की। ओम अबो गो जीरे। यापुंग अन्ने हुगुला एरिको हुगुलो डॉक्टर अजी संगा ने कोबरी पचो बेरे मापलारी। यापुंग अन्ने एरिक बोलम होतुंग रातुकी। तालु एना अजन गदा नेंगत एरेका से हतुंग हुइना पला। निगम नोनो चले अंकुब अच्छा लो यापुंग नगोई। यापुंगा
Yapung ane, no ka doktor jagam la nampam ye adiga demen tegmen koso jajin achago ka kjite buki. Serem nega arem so jajin ja, nying ne nega ajina jajin ja, punung nega ajina jajin ja, opo nego tentola jajin ja. Miri nego milaju jajin ja, mimpak nego paklaju jajin ja. अरे डॉक्टर साहब, आप उठ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग इतना जल्दी उठ गया? हाँ, हम लोग तो रोज सुबह उठ जाते हैं, और तो और हम खेत भी जाके आ गया। ये तो बहुत अच्छा आदत है, सुबह सुबह उठकर काम काज करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है सर, हम दोनों भी मॉर्निंग वॉक करने जाएगा। हाँ पता है, शहर में तो लोग सुबह 10 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं, और कोई कोई तो दिन भर सोता रहता है। डॉक्टर साहब, हमको भी शहर जाने मन है, यहाँ गांव में रहने दिल नहीं है। क्यों रहने दिल नहीं है? डॉक्टर साहब, मेरा भी कुछ ख्वाहिश है, पर लिखकर कुछ बनना चाहता है, शहर में रहना चाहता है, घर हो परिवार हो अपना एक पहचान बनाना चाहता है। अबू ऐसा कभी नहीं चाहेगा, पढ़ाई भी करने नहीं देता है। रोज सुबह उठना, खेती जाना, सुबह शाम काम करना, ये सभी मेरा जिंदगी का हिस्सा बन गया। ओ, तो तेरा अबू को क्यों नहीं समझाते? यापों, ननु उगुरी दुना, डॉक्टर निगम ने अचिन दमु पने, दमु मालो दमु तकी, तेरने का नौब दोमु मावकी। ओ माबू, मो जीरे, चलिए डॉक्टर साहब। यापों निगम ने उगलो पिने मुनी तोलो अकर पेन। और डॉक्टर साहब, इससे मिलिए, ये मेरा बचपन का दोस्त मैचारी है। ओ डॉक्टर साहब, अब कैसा है बस्ती, कैसा लगा? आप लोगों का गांव काफी सुंदर है, बहुत अच्छा लगा है हमको। अरे आप है ना मैचारी? हाँ, लेकिन क्यों? होगा काम है तोरा, आप दोनों घूमने जाइए, हम भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर कभी दिन मिलेगा। थक गया। मैचरी तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना? हाँ, लेकिन क्यों? ओ नहीं, हम सोच रहा था कि मैचरी कोई लड़का होता होगा बोल के। क्या लड़का? डॉक्टर साहब, हम तो लड़का दोस्त करता ही नहीं। हाँ, अगर मैचरी लड़का होता तो आप क्या करता? तुमसे शायद कभी बात नहीं करना था, और हमको बुरा लगना था। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि हमको तुमसे प्यार होने लगा है। पता नहीं ये कब कैसे हो गया, पर ये सच है, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। यपोम, 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 कुछ तो बोलो, कहाँ जा रहा है, कुछ तो बोलो। हाँ डॉक्टर साहब, हम भी आपसे प्यार करते हैं। कैसा गाँव है तेरा, कैसा गाँव है, ये कैसा गाँव है तेरा, कैसा गाँव है।
यहाँ दिल को चैन यहाँ ये कैसा गाँव है तेरा कैसा ये गाँव है ठंडी हवाएं मुस्कुरा के सुलाए सुबहों को पंछी गीत गाया के जगाए ओ रातों को ठंडी हवाएं मुस्कुरा के सुलाए जगाए लोगों की आंखों में कोई खुशी जिल मिलाए ओ लोगों की आंखों में कोई खुशी जिल मिलाए एक दूजे को देख के कहे चलो अब खेत में चले चलो अब खेत में चले ये कैसा गाँव है तेरा कैसा ये गाँव है नदियाँ लहरा के दिल को कहीं ले जाए बलखाती पेड़ मेरी आँखों को लुभाए नदियाँ लहरा के दिल को कहीं ले जाए ये पत्ते सरसराती हुई जैसे मुझे कुछ कहे ओ ये पत्ते सरसराती हुई जैसे मुझे कुछ कहे पर मैं शहरी बाबू कैसे समझू मैं क्या कह रहा है समझो मैं क्या कह रहा है ये कैसा गाँव है तेरा कैसा ये गाँव है ये कैसा गाँव है तेरा कैसा ये गाँव है मिलता है दिल को चैन यहाँ कितना मिलता है दिल को चैन यहाँ दिल को चैन यहाँ कैसा गाँव है तेरा कैसा ये Bye. 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 Bye.
यापुंग नो गोलो अंगजिन आई तालु ngo rongo anjin no ogolo anjin ngo nyolong e motum be ang mabe sudum sere mi karta be ang mabe ngo nyeme kocheng kocheng ang dube ngo doya pane ai talu no ranam rasu rama babu angi kula babu angi kula om ngo minam misu mima yapung na kaki dirila no daktur nyagam ka kocheng kocheng be ang kardu na mirik la kam kama no nyi ibu kama keke nyeme gubere nyulu gubere Nyeme kocheng-kocheng be angki yela. Yapung. Hmm? Kal hum bechare se mila tha. Woh humse pooch raha tha ki kya hum tumse pyar karte hain. Aur to aur woh ye bhi bata raha tha ki tum humse bahut pyar karte hain. यपुंग तेरा साथ जिंदगी जीना चाहता हम भी आपसे प्यार करते हैं और आपका साथ रहना चाहते हैं लेकिन मेरा अबू कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शादी शहर में हो तेरा अबू क्यों नहीं चाहता है कि तुम्हारा शादी शहर में हो इसमें गलत क्या है डॉक्टर साहब मेरा अबू थोड़ा पुराना ख्यालात का सोच विचार रखता है आज से कुछ साल पहले गांव से एक लड़की का शादी शहर में हुआ था और बाद में पता चला कि उसके साथ बहुत गलत हुआ और वो गांव लौटकर कभी वापस नहीं आया ऐसा हुआ था क्या हाँ डॉक्टर साहब तब से गांव वालों का भरोसा शहर के लोगों से उठ गया इसीलिए मेरा अबू कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शादी शहर में हो सुनो यपुंग हम तेरा अबू को समझेगा आप मेरा अबू को नहीं जानते वो कभी नहीं समझेगा आप अबू को कुछ मत बोलो नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा ऐसे कैसे मार देगा भेल बकरी तोरी ना है हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं इसमें गलत क्या है मत रो यपुंग मत रो यपुंग प्लीज मत रो चिंता मत करो हम तेरा अबू से बात करेंगे और हम उसको समझाएंगे आप अबू को कुछ मत बोलो आप हमको ले जाओ अपने साथ हम आपका साथ शहर जाएगा तुम चिंता मत करो ऐसा करने से तेरा अबू और गांव वालों का शहर वालों से भरोसा और उठ जाएगा तुम्हारा नाम भी बदनाम हो जाएगा और हम कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा वजह से तुम्हारा नाम बदनामी हो अगर हम यहाँ से चला भी गया तो हम जरूर वापस आएगा तुमको लेने के लिए तुम मेरा भरोसा रखो और मेरा इंतजार करना ठीक है डॉक्टर साहब हम आपका इंतजार करेगा लेकिन जल्दी वापस आना नहीं तो आप मेरा शादी तालू से कर देगा अगर ऐसा होगा तो हम अपना जान दे देगा नो ऐसा मत बोलो प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज ऐसा मत बोलो तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे लिए जरूर लौट के वापस आएगा तुम मेरा भरोसा रखो प्लीज मत रो प्लीज 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 मत रो हम वापस जरूर आएगा ये मेरा वादा है अभी ये सब छोड़ो अभी हम लोग जाएगा अपना आंसू पहुंच लो गांगबुरा तलुबरी सुका आतो आतो सो दोत
गांव बुरा नमो गांव मिंचे दोपे ऐसे मो लम्ते बोलो तपाक नी कापा पीने हैने तपा मिने गे नपा नमको गे लम्ते गे मुको पुकु के हेजी डॉक्टर न्यागम बुलाम अंगमु न्यातु कुने उगुरी से अंग से काकुमा बापू बे अंगमु न्यातु कु अब मैं मत लू ए डॉक्टर ऐसे मो बोलो ऐसे मबा नंपो मका कादर ला रेपो कतलो अंगमु न्यातु कु बापू बे अंगमु न्यातु कु अब मैं मत तलो 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 कलक अंगले अंगले गांगबुरा हबे लोंगो अंगजी कुने आई यपुंग ये तालू क्या बोल रहा था डॉक्टर साहब तालू बोल रहे रास्ता खुल गया अभी आप लोग जा सकते हैं क्या रास्ता खुल गया ओह रास्ता खुल गया तो ठीक है सर तब तो हम लोग कल चला जाएगा ठीक है देखते कल डॉक्टर निगम तालू इधर को मिंजे कम तरम मावना नो इधर को दोंगसो मुंह पर दोंग तले अंगसो कुमावा वे दो मिनट से मावा डॉक्टर साहब अब वो ये बोल रहे कि तालू का बात को बुरा मत मानिए आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं डॉक्टर निगम मनोज यू मुन्या तो किए कन्हे पकुला का डॉक्टर साहब अन्ना बोल रहे कि बहुत रात हो चुका है आप लोग सो जाइए और कल जाना है कि नहीं आप सोच लीजिए डॉक्टर साहब उठिए डॉक्टर साहब यपुंग ये लीजिए पानी लीजिए थैंक यू आप ठीक तो है ना ठीक है लेकिन थोड़ा सर दर्द कर रहा है कल लेट से सोया ना इसीलिए अरे ये दोनों कहाँ गया पता नहीं आपका कंपाउंडर सुबह सुबह कहाँ चला गया साथ में नर्स को भी लेके चला गया और तेरा आने अबू ओ वो दोनों तो सुबह सुबह खेत चला गया डॉक्टर साहब आप तो चला जाएगा आज के लिए रुक जाइए हमको भी अच्छा लगेगा वैसे भी आप कल चला जाएगा और फिर कब वापस आएगा इसीलिए प्लीज आज के लिए रुक जाइए हाय अबू हम भी तुमको छोड़ के जाने दिल नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा होगा आज के लिए रुक लेगा यपुंग जब तुम हंसता है तो बहुत सुंदर लगता है डॉक्टर निगम लको बे मोदी लो मोदी बे इसी बे अंकर मिंग दुलाका स्वरूप न जब बीमा बको ना पतंग पयंग पको जला नो अंग्रो अंग्रो गांगुरा ताजम नो काजुनी मंकर सुई ने पलाई मंगमा कोलो नो तालु उगो जिला तालु उगो का मा नी शुरू शुरू बे मिना मा उगुरी दुप यपुंग न नो आई कुला अचिन लो मते की ओपोलो का अचगो लेंगते की पोई का दोप कुला गांगुरा तजम बुगा नंगो अजो मिंपा पनेलाई नोंगो के गामम तेजंगमा नोगे कुनिमे यपुंगला डॉक्टर ने गंबुने मोदुंबे अग्निब नो काफने
वो कापन वो को आंगो को रिपा को ने को ब्राई क्ले क्ले बेगु 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 गंगुरा तजाम मतो मतो यपोंग ना डॉक्टर जी को मैं जबर इलाकन वो अंगो बुनाई नो कान का मापे हाय हाय गमरजी ऐसा मत कीजिए गमर जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए गमर जी अले बंसी कुलंग यपुंगने का अबो जिंकी बाबा बक नले बंसी कुलंग अने अब यपुंग को छोड़ के जा रहे आपका पास यपुंग का ख्याल रखना यपुंग का ख्याल रखना ये कैसा यपुंग डॉक्टर निगम ये का मचो का नुनु मिना मांगो ते पारो तला नमगो हबरी रे मंग माता कला नमगो पतुंग पतले हबरे आई अबू 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 अबू
ये तो जी तगद न तगमा या पुंगी अच्छा नचक तो जीव नो अलो उगो काम कामा न अलो अच्छी जी तो बनाई या पुंगी रिची रिपेकला रिमिन पतला नो जे आई हे नो दनम जीवई जिमा बक या पुंग जे ने आई नो जी तो बना नो ले पुंगी काका जमा कला मिला हेलो कुमागाई नो पुचा के ना काका जमा कला मिला तो मैं बाका तगम दमा के केन नो मिले मने नी आपो ए नो कुमागाई ये नी गरे माकलोरी आपला मेचारी ए अने मेचारी ngo gam gam go min de som ngo ga ya pung ni no ajin ya ga ka je nya la te ngo ga ya pung de nam ka de kuma si cha go ka tang tang kuma no ajin ya ga serem nya la achu de mu ta ga serem nya la achu ga ji ta ga te abu si cha go ka ji mu kuma te nam achu ka ji mu kuma te ba ya ge pu sok ta do po ane no ya pung de nam ka da ma ga la ni gam ni mung pa la kab de ga la ngo gu ma ya do be निगम दो कनो चेंपे अने मोचे आमा यपुनी कते काजे का यपुन का चेमा के दो निगम चाकुर इकु के ला मिंग दे दो मो यपु यागे बक सिजु कु बाबा इच्छा बोग तंग कु यपुन दो को हे दिन मोजे कमा बके अने के अने नोरुंगो एला ए मचारी ए अने गाम गाम को मिंदे सम ए ए या पुंगले तक आराम पंजे बरे प होंग नो आजनियांग आले बते का पक तो आई ए मो ते का पक न्यो माला गांग बरा नो गाम मिंगलक पने रे एम नम गोगलक पने माबा ए जाग या पुंग अन रंगो अंगरो ए रंगो अंगरो द केलो नम अगम गो मेन सम माला गोगलक पने माबा ओगो आइन अकिन कुमा नंपम बंगम ओगो मद कुत ओ आनी आरु ओ यापुंग लगाब मद मदला डॉक्टर आको साना म अपुर असर तब बकु नो यापुंग ने नाना परी गांग ब्रा ताजाम एबे मिंकु बोलो मो यापुंग नि अंगालो के काचा पने के आई मो यापुंग नि नारे नो यापुंगया ngam te suri de te ma suri de no yapungni alebe minchal lana am talo ngo menche sima ngo abu ko nga abu menamam tamaba oglong duba no e bolo de o ngo sirum ne yapung ne minche sima ngo yapungni nare no yapungni alebe minchal lana ngo te angse do penela ngo angjinala ke ke talo hai sirum ne yapung ne minche sima ke ke talu ai मेचरी ngo abunga talu do ku sangmu na pakadu ngo talu do ku sangnung ma ngo soka kire na be me ma beke ngo talu do ku sangnung ma ngo kire ma ya pong na be me ma beke no anga ka ma ma be kamen ki duwe no ngo ga apu ga mangnama chima bolo ye jiya do ba ngo dakte ni gam ni ye pak na ko ankerla meker tejin mechari ngang mutana अबे लोनो अने बुकामा दे सुनी बाबू एनी लाग Thank you.
जीना यपुंग यपुंग बगा किनी बलाका यपुंग नमी एमिंगा मा दबे को अगुम मा न एय मा ब अगुम मा दुबा आला रि वांग जिन मेरा तू
गुड़िया तू है, जीवन का रोशनी मेरा। बेतुना चिंता मत करो, जैसे भी हो जो भी हो तुम और आपको हमेशा साथ में रखेगा। प्लीज ले लो ना, प्लीज प्लीज। अनाथ आश्रम है क्या? यहाँ जो भी आएगा आराम से काके जाएगा, किसी का बाप का कमा के रखा वाला नहीं है। हाँ काना इधर दो बोनी, काना है तो बाहर से कुछ लेके आओ और काओ। बोनी ये दाइन को काना मत दो। हाँ जो भी आएगा बेकार में काके जाएगा, ये मेरा मेहनत से कमाया वाला है। तकाम तुम काओ काना। जाने दो बेकार का लड़की को। तकम भैया खाना। तकम तकम बेटो और खाना खाओ। हमको भूख नहीं है। तुम भी जाओ, ज्यादा एक्टिंग दिखाता है। तुम भी बेटो और खाना खाओ, तुम भी उन लोगों का जैसा करेगा क्या? कुछ खा लो ना, मत रोना। दीदी तो ऐसा ही है, लेकिन दीदी दिल का बहुत ही अच्छा है, वो सभी को ऐसा ही गाली देता है, हम उसको समझा देगा। लो ये बिस्कुट खा लो ना, प्लीज मत रोना। मत रोना, जब तक हमें तुम्हें कुछ होने नहीं देगा, हम उसको समझा देगा ना। तुम और मां को हम हमेशा साथ में रखेगा। आप भी कुछ नहीं खाए, खा लीजिए, खा लीजिए। अंगानी मधुन सी हयला अंगानी। चुप दाई, क्या अंगा अंगा करता है, अपनी को ऐसे परेशान करता है। चुपचाप सो जाओ पालतू। यापोंग, यापोंग। हाँ ओ आप। ओ क्या कर रहे हैं? उंगा सो गई क्या? ठीक है ठीक है, हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है बाद में खाना वाना खा लो। वो आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होने से बोनी को बोल दो। ठीक है ठीक है। बोनी। हाँ तकम भैया। हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है तुम यापुंग और यापुंग का बच्चा को देख दो। ठीक है भैया। और मत घुमा दे, होगा ठीक है। बोनी। हाँ दीदी। तकम कहाँ है? तकम भैया बाहर गया। और वो दाइन जो? दीदी जो रूम में होता होगा। होगा। कहाँ गया ये लड़की? ये लड़की का कपड़ा मेरा भाई का यहाँ में क्यों रखा है ना? बोनी 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 जल्दी एक बस्ता लाओ तो। लेकिन क्यों दीदी? लेके आओ तुम। ये लो दीदी। तकम भैया गुस्सा करेगा दे आपको। गुस्सा करने दो, जो भी होता है होने दो, जो भी होता है होने दो। तुमको क्या हुआ यार, हम देख लेगा ना।
कहाँ गया ये लड़की? तुम यहाँ में बैठ रहे जाओ जाओ, मेरा घर में और मत बैठो, जाओ दीदी। अरे ये बच्चा को भी हम देखने दीजिए, जाओ जल्दी जाओ। दीदी ऐसा मत बोलो, हम कहाँ जाएगा, ये इतना छोटा बच्चा है, आप समझो। बच्चा हमको पता नहीं, बच्चा समझ लेंगे, जाओ जल्दी जाओ जाओ। दीदी तुम मेरा भाई का लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, पूरा समाज को हर जवाब देना पड़ता है तुम जैसे व्यक्ति के लिए। जाओ जल्दी जाओ, इसी का पापा अपना बॉडी में लेके घूम रहे हैं। जाओ जाओ, तुम मेरा भाई को बर्बाद कर देगा। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी। भैया बोनी चावल बज रहे क्या? खाना नहीं बनाया? हाँ खाना बना लिया तकम भैया। ओ लेकिन चावल खत्म हो गया था। यापुंग और उंगा खा गया? उंगा और यापुंग को दीदी निकाल दिया तो तकम भैया। क्या? हाँ भैया, अब जाने के बाद निकाल दिया उंगा और यापुंग को। कब गया? दो तीन चार घंटा हो गया। और दीदी कहाँ गया? दीदी कम से शहर से बाहर गया। तकम भैया आपके लिए खाना निकाल देगा। चलो अभी हम कहाँ जाएगा मेरा बच्चा को लेके? बहुत भूख लग रहा है, मेरा बच्चा भी रो रहा है। अभी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये दुकान से कुछ मांग के देखता है। दीदी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, ये देगा। ये ब्रेड हम तो सिर्फ खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन ये दीदी तो पैसा मांगेगा होगा, अभी क्या करेगा? हाँ इतना दाम, ये लो। सामान तो मिल गया लेकिन अभी क्या बोलेगा? दीदी मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने से मैं इसे देगा क्या? दीदी ऐसा मत बोलिए ना, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दीदी पैसे नहीं है, हम क्या करेगा? नहीं वो सब मालूम नहीं है, सामान वापस दे दो। दीदी प्लीज प्लीज दीदी, दो, दो, दीदी दीदी ए लड़की रुको रुको। Ah.
ने हिना कातु के मुक एज कापु आले मुक अनुगाए एज बुरंग गेन पमाव कापु दांग मुक कापु पबो मुक कापु पबो अबुआ माबा मोका मंगरू माबा नो सी ओगु कबला दो दना आरो ने तालुला मचरी ने मिनले ला टाउन बोलो मेकर लाजु काजु नाम ला को
क्यों किसी को वफा के बदले यार एवरीथिंग विल बी सॉल्व इट्स ओके एंड ये देखो ये पीजिए और ये भी मेरे लिए एग्जाम मैं भी एग्जाम ले लेता हूँ और जिंदगी में कभी चिंतित में नहीं होना ठीक है अरे मैं हूं ना मैं बड़ा भैया अभी ये देख रहे हैं ना भैया क्या ये ग्लास है ना हमारा ग्लास जिंदगी है इसका तरह हम है बुन पान बुन करके ना तोरा तोरा बुन करके ना भैया बढ़ती हो जाएगा तो जाम बन जाएगा भैया पानी डालो भैया दारू का टेस्ट कुछ और ही अलग हो जाता है बहुत प्यार करता है भैया उसको भैया कहाँ गायब हो गया चिंता मत करना मेरे भाई जिस लड़की को आप ढूंढ रही है ना आपको जरूर मिल जाएगा मत रोइए मेरे भाई मत रोइए मैं हूँ ना बड़ा भाई ओ भैया जाएगा ना बता जरा मुझे भैया भैया मिल जाएगा ना आपको पक्का मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा तकम सर ओ अरे कैसा है हाथी के बहुत दिन का बाद मिला है आपको तो आजकल दिखाई नहीं देता है कुछ परेशानी है क्या ऐसा कोई बात नहीं है थोड़ा कामकाज से परेशान हो गया था ओ ये सब तो होते ही रहते और सब कुछ ठीक है ना हाँ सब ठीक है आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या मैडम आपसे बात कर रहा हूँ मैडम मैं रास्ता से गुजर रहा था यहाँ में तो कोई भी नहीं है आप अकेला बच्चे के साथ बैठा है कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताओ हम आपको मदद करेगा वैसे तो हम अकेला है आपको भी रखेगा बच्चे को भी रखेगा चलिए चलो चलो चलिए चलिए आइए आइए आई 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 यापों 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 कहाँ जा रहा है हाँ तुम कौन है तुम कौन है तुम कौन है तुम कौन है मैं लगता हूँ तुम इसका क्या लगता है हाँ आप उसका क्या लगता है तुम उसका क्या लगता है मैं लेके जा रहा हूँ इसको तुम उसको क्या लेके जा रहा है क्या लेके जा रहा है कहाँ था क्या लेके जा रहा है तुम उसको क्या लेके जा रहा है कोई भी हो उसको क्या लगता है तुम उसको क्या लगता है कोई भी हो तुमको पता है ये कौन है मेरा बीबी है मेरा बच्चा है तुमको पता है तेरा बीबी है शर्म नहीं है क्या शर्म नहीं है बीबी और बच्चा को रास्ता में बतंगने देता है समझ ले नहीं सकते तो शादी क्यों किया है बसाने वाला को मार रहा है चल भागो जा रहा है बीबी को लेके ये भी ले जाओ बीबी को नहीं समझ सकने वाला ये समझ में ले जाओ हाँ मतलब नहीं समझ बीबी को शादी भगो 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 बोला है ना काम दम नहीं समझ बीबी को संभाल लेने से तेरा शादी करते
दीदी 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 तकम भैया क्या हुआ? दीदी रुक जाके बोलो। क्या हो गया तकम? तुम क्यों इतना चिल्ला रहे? आप नीचे नीचे आओ ना, आपसे बात कर रहे हैं। आप आओ ना आगे यहाँ में। तुम ये लड़की को फिर से लेके आ गया। आप नीचे 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 आओ ना। तुम रुको, हाँ हम आ रहे हैं। हाँ तुम इतना क्यों चिल्ला रहे? क्या हुआ है तुमको? तुम ये लड़की के लिए हमको ऊंचा आवाज में बात करेगा? ना ना। क्या हुआ है हा? तुम ये गिरा हुआ लड़की के लिए हमको ऊंचा आवाज में बात करेगा? हाँ आप उसको घर से क्यों निकले? क्यों नहीं भगाएगा इसको? गिरा हुआ लड़की है ना, क्यों नहीं भगाएगा इसको? क्यों निकले आप इसको? देखे ये एक बच्चा बोलेगा क्या पता करेगा? तो मरने दो ना इसको, हम क्या करेगा इसको? आपको तो मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं होता है ना? आपको तो आपको तकलीफ हो रहा है ना? आपको तो ऐसा ही बोलेगा, आप ऐसा ही सोचेगा? नहीं नहीं जाने दो इसको, हम नहीं रख सकेगा इसको मेरा घर में, इसको सिर्फ जाने दो बस। ठीक है हम भी चला जाएगा, आप टेंशन मत लो। आपका साथ बैठेगा ही नहीं और आपका घर में बैठेगा ही नहीं। दे जाएगा ना, हम भी चला जाएगा। आपका साथ बैठेगा ही नहीं और आपका साथ हम बैठना ही नहीं चाहते। तुमको ये दिन के लिए हम पाल पोस के बड़ा किया था, जब माँ पिताजी चता चता में चोर के मर गया था इसी दिन के लिए तुमको हम पाला था। तुम थोड़ा सा भी याद है तुमको हम कितना तकलीफ करके पाला था? आप सुनिए तो सही, आप एक औरत है, ये एक औरत है, एक बच्चा को लेके ये कहाँ भटकते रहेगा? हमको तो छोड़ दो, इसका लिए तो समझ सकता था ना, इसका दुख का बारे तो आप समझ सकता था ना। आपको इतना अंदाजा भी नहीं कि इसको कितना तकलीफ होगा, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। तुमको यही मिला था प्यार करने के लिए? दुनिया में इतना लड़की है, तुमको यही मिला था प्यार करने के लिए? चलो मेरी किस्मत सही ना, आपका पास आया है, आप तो समझ देगा वो सोचा था ना। अब तुम मेरा माँ दीदी सब कुछ है ना, आप तो समझ देगा वो सोचा था ना। तुम अभी इतना बड़ा हो गया कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तब तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होता है बोलने से हमको दीदी है बोल के हमको कुछ नहीं बोलना है। हाँ दीदी आप जैसे मेरे बारे में सोच रहे हम वैसा नहीं है, हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेगा ताकम को और आपको खुश रखने के लिए। ठीक है चलो। ओ तकम जी यहाँ पे है? अरे आप उठ गया? हाँ उठ गया, हम तो सोच रहा था कि आप अभी तक सो रहा होगा। एहसास मेरा बड़ा भैया आ रहा है, बहुत दिन का बाद, हम बहुत गुस्से हैं। तुम मेरा एक काम कर दो, अच्छा से खाना बना रहा हूँ। जी हाँ, वैसे आपको लेट नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है ठीक है, अब जाइए। जाएगा। दीदी दीदी देखो कौन आया है। दीदी क्या हुआ था काम? देखो हम किसको लेके आए। अरे मेरा भाई आ गया। तुम आ गया, तुम कैसे है मेरा भाई? तुमको इतना दिन से मिस कर रहा था हम। तुम ठीक तो है ना मेरा भाई? बोनी बोनी। हाँ दीदी। देखो कौन आया है, मेरा भाई आ गया। जाओ सबको बुलाओ और पानी लेके आओ। ठीक है दीदी। आपको पता है क्या बोलता था?
चोर के यहाँ आया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सुनो यप्पू, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। मत छू हमको। सुनो मेरा बात। तुमको पता नहीं क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ जब हम गांव से लौट के आए थे। सुन लो मेरा बात प्लीज। ये लड़की को क्या हो गया? इन लड़कियों को पहले से जानते हैं क्या? हमको कुछ नहीं सुनना है। देखो तुमको जानते हैं। आप मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ऐसा क्यों? सुनो यार, ऐसा मत रो। तुमको पता नहीं क्या हुआ था उस दिन जब हम गांव से लौट के आया था। सुनो मेरा बात प्लीज, सुन लो मेरा बात प्लीज, सुन लो मेरा बात, ऐसा मत करो। तुमको पता नहीं जब हम गांव से लौट के आया था क्या हुआ था मेरे साथ, एक बार सुन लो प्लीज। हाँ बोलो। डॉक्टर सर जल्दी चलिए। कंबोडर। जी सर। बहुत माथा दर्द कर रहा मेरा, यहाँ कहीं रुका लो। ये पानी चला ना है। नंपम नि मंगम नारित गनिबे मोगय अपुंगनी नारित गनिबे मोगय अपुंगनी जंगन्यालाई तालु उगुला तालु डॉक्टर निगम बने बके दुनिया पाके डॉक्टर निगम ग्ले कले बाबू पाके तले बाँ उगुए निगम जमा मुतो मुतो नोंगो का निमे नासे गम नारी दुबेरी पाई उगुबे बेरी पेने क्या होगी तलु, क्या होगी तलु 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 सर को क्या हो गया ना? चलो जाके दिखेगा। चलो ठीक है चलो। दुनिया आलो ताबे अंगिला ना तुम लाई मोसो ताबे अंगिने पे लाई Sirato. Doctor Saab. Doctor Saab. Aku malah lingmu nyato. Nggak ya pungnya nane nga. Lepas lagu nyi seter nyato. Nggak ya pungnya nane nga. Lepas lo seter to. Nyapa nampam ka canya la. Nggak ya pungnya nanya abu. Ingpun nyapa ay. Kle, ang nyalak. Sir!
सर डॉक्टर सर सर डॉक्टर सर वो देखो डॉक्टर सर सर वहाँ पे यपुंग। क्योंकि हमको तुमसे प्यार होने लगा है। हम तो तुम दोनों को अपना समझते हैं। तुम दोनों के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तो मेरा भाई का लाइफ को बर्बाद करने आया है, हाँ? पूरा समाज को हम जवाब देना पड़ता है तुम जैसे लड़की के लिए। जाओ जल्दी जाओ। नो मोबरी रे मंगमा तकला नमगो पतुंग पतला ऊपर ना। यपुंग रुक जा, वापस आओ। यपुंग वापस आओ। यपुंग यपुंग कैसे कैसे बुला
किस्मत ने कैसा खेल खेला हम सब के साथ, यपुंग को हम सबसे क्यों छीन लिए जबकि हम सब ने यपुंग को समझा ही नहीं था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?